हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल। एंड आज के वीडियो में, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया है, इज स्टेइंग पॉजिटिव द सॉल्यूशन, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल, मतलब मैं देख रही हूँ, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ कि हर जगह बस स्टूडेंट्स को या लोगों को ये बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, मतलब जो भी हो रहा है अच्छा सोचो, हर सिचुएशन में बी पॉजिटिव। बट क्या ये एक्चुअल में सोल्यूशन है? ये जो चीज़ है ना, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, क्या इससे आपका सब काम हो जाएगा? क्या ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में फंडा अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि चलो ये एग्जांपल लो कि आपके सामने चोरी हो रही है, आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है, या फिर आपके सामने किसी का रेप हो रहा है, क्या तब आप ये बोलोगे कि अरे नहीं, वो दीदी ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, नहीं वो सर ने बोला था बी पॉजिटिव, ये हम पॉजिटिव रहेंगे? या उस मोमेंट पे आप एक्शन लोगे कि यार किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अब पॉजिटिव रहना सोल्यूशन है? नहीं ना। तो बस इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो मार्केट में ट्रेंडिंग बना दी गई है, ऐसा बिक रही है कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ये बहुत मिसलीडिंग है स्टूडेंट्स के लिए। तो यही हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूंगी, अन अकेडमी अपने शिखर बैच के साथ लॉन्च हुआ है, जिसके बैचेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और कोई कोई सब्जेक्ट जैन से भी स्टार्ट होगा। ये बैच एक्सक्लूसिवली सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स के लिए है, वो भी फॉर मॉड्यूल 1। यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़ सकते हो। फॉर इंस्टेंस, जसप्रीत जोहर सर फॉर डायरेक्ट टैक्स, राज अग्रवाल सर फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, एंड अमित वोरा सर फॉर GIGL। ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल फायदे हो सकते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, मल्टीपल प्रोफेसर्स फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होगा, हर एक हफ्ते में आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, और आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बैचेस जो GIGL का सब्जेक्ट है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, डायरेक्ट टैक्स है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और इनडायरेक्ट टैक्स है वो जैन से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। ऑल्सो गाइज, यू कैन यूज माई कोड CSNEHA फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो यस गाइज, बैक टू अवर वीडियो। आपको पता है, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मुझे ये सुना गया था, जब मुझे सुनाया गया था, और मैं ये यूट्यूब पर अपने दोस्तों से सुनती थी कि भाई पॉजिटिव रहो, आपको ना जो चाहिए वो इमेजिन करो कि वो आपको मिल चुका है, या फिर उसी के बारे में सोचते रहो कि वो आपको चाहिए, मैनिफेस्टेशन, ऐसा कुछ ट्रेंडी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो मेरे को वो 12th में कॉन्सेप्ट उसका समझ में आया था। ठीक है, अब मैं 12th में पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो पढ़ाई वढ़ाई की मैंने बहुत मेहनत की। ठीक है, मैंने हर एक लेक्चर अटेंड किया है, हर एक प्रोफेसर की बातें मानी है, हर एक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है, मैंने पेपर भी दिया। अब फिर रिजल्ट जब उसका आने वाला था, तब मेरे को वो पॉजिटिविटी याद आई कि हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं हर रोज़ सुबह उठ के ये इमेजिन करती थी कि हाँ मुझे 91% आया, मैंने चिपका के रखा था दीवार पर कि मुझे 91% चाहिए। तो हर रोज़ इमेजिन करती थी सुबह उठ के 12th के एग्ज़ाम देने के बाद कि मुझे 91% आया है, रिजल्ट के दिन मैं बहुत खुश हो रही हूँ, या फिर मेरे सब सपने पूरे हो गए हैं, मेरे घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं, मैं पूरे स्टेट में पहली आई हूँ, पूरे नेशन में पहली हूँ, ये सब सपने मैंने सोचने लगे, पॉजिटिव रहने लगी, इन द सेंस मतलब जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा सब सोच रही थी। अब रिजल्ट की बारी आई, रिजल्ट का दिन था। इसमें क्या होता है ना, आप जब पॉजिटिव रहना चालू कर देते हो ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, मतलब वो पता नहीं क्या कहाँ से आता है, बट एकदम नवाबों वाला कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। तो रिजल्ट के दिन तो मैं एकदम ऐसी थी, मेरे दोस्त लोग ऐसे थे कि नहीं हम पहले नहीं देखेंगे, मैं से हाँ चल ठीक है मेरा देख पहले, मेरा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव थी बहुत अंदर से, एकदम मान लिया था कि हाँ मुझे ये परसेंटेज आ चुका है। अब जैसे मेरा रिजल्ट वो लोगों ने देखा, उसमें 84.50 या 60 ऐसा कुछ परसेंटेज था। अब वो मैंने देखा और मैं ऐसा कि नहीं ये मेरा नहीं हो सकता, हमने वापस मेरा जो सीट नंबर है वो डाला, मेरा मम्मी का नाम डाला, वो सब किया, देखा उतना ही परसेंट आ रहा है। और बोलते ना, एक
कांच टूट जाता है, वो कांच आपने बहुत मेहनत से बनाया हो और अचानक से उसमें किसी ने बॉल फेंक के तोड़ दिया, वैसा मेरा दिल टूट गया वो देख के कि ये क्या है। मैं तो इतना पॉजिटिव रह रही थी, तब कैसे ऐसा हो गया, मैंने तो सब अच्छे से किया है, ये क्यों हो गया। और मैं रोना चालू कर दी। मेरे दोस्तों ने देखा, हम प्लेटफॉर्म पर थे ठीक है, तब स्टेशन पर थे, बोरीवली स्टेशन पर थे, जस्ट क्लासेस से छूटे थे, तब हम फाउंडेशन के क्लासेस ज्वाइन किए थे। उसके बाद फिर अभी मेरे दोस्तों ने देखा रिजल्ट, तो मेरे दोस्तों को भी 82, 83, 84 ऐसा हम तीनों का था ठीक है। मेरे दोस्त भी रोने लग गए क्योंकि वो लोग भी मुझे देख के मैं रो रही थी, वो लोग मेरे को देख के रोने लग गए और हम सबको बुरा लगा बहुत। अब हमारा एक रिचुअल है कि रिजल्ट के दिन ना हम लोग सिद्धि विनायक जाते हैं, भले रिजल्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, हम पहले से ही करते हैं ऐसा। तो फिर हमने ट्रेन पकड़ी दादर की सिद्धि विनायक जाने की। अब हम ट्रेन में रो रहे हैं और हमारे आसपास जो आंटी है, मतलब हमारे सामने दो आंटी बैठे थे, सभी देख रहे थे हम लोग को तो वैसे, बट वो दो आंटी को रहा नहीं गया अंदर से कि उनको ऐसा नहीं पूछ तो हुआ क्या, हुआ क्या। तो उन्होंने हमको पूछा, बेटा तुम्हारा 12th का रिजल्ट था ना, तो हम तो रो रहे हैं एकदम एकदम, रुमाल पूरा गीला हो गया उतना रो रहे हैं। तो फिर हमने ऐसा किया, तो फिर उन्होंने बोला, बेटा फेल हो गए हो क्या। तो हम लोग एक दूसरे को देखे और बोले, नहीं आंटी। बोलते, अच्छा बेटा कम परसेंटेज आया क्या, टेंशन मत लो, कुछ नहीं, पास तो हो गए, बहुत बड़ी बात है, वो समझाने लगे। फिर हम लोग एक दूसरे को देख रहे और ऐसा करके हमारा रोना धोना चल रहा है। फिर उन्होंने वापस पूछा, बेटा परसेंटेज कितना आया। तो हमने बताया, मुझे 84 आया, मेरी फ्रेंड को 83 आया, उसको 82 आ गया। तो वो ऐसा हो गई, क्या मतलब, उनको ऐसा हो गया कि बच्चे पागल है, मतलब तुमको इतना अच्छा परसेंटेज आया फिर क्यों रो रहे हो तुम लोग। तो हम लोग ऐसा हो गए, आंटी आप नहीं समझोगे, छोड़ो जाने दो। एक तो हम लोग बहुत इमोशनल थे तभी ठीक है, बहुत हमारा दिल टूट गया था ना तभी। तो फिर हम ऐसे थे कि आंटी रहने दो, आप नहीं समझोगे, और आंटी हमको पागल समझने लग गई है कि ये छोड़ो। फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। उसके बाद हम लोग दादर पहुंचे, टैक्सी में रो रहे हैं, शेयरिंग टैक्सी ली थी हम लोगों ने, और वो पता ऐसा होता है आगे पीछे और सीट वो सब, तो और भी लोग, तो वो लोग भी हमको देख रहे कि रो क्यों रहे इतना। फिर हम लोग सिद्धि विनायक गए, दर्शन करते करते रो रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग संभाल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, होता है होता है। रिटर्न आए, फिर घर आके भी हम लोग रोए नहीं, क्योंकि मैं तो घर पे कभी ऐसे अपने आप को वीक बताती नहीं, या कभी मैं घर पे रोती नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज लाइक कि हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, तो मैं रोई तो नहीं, बट वो लोग पहचान गए मेरी आंखों को देख के, और वो लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अरे क्या करना है, ठीक है ना, तूने बहुत मेहनत की थी, इट्स ओके। मेरा दिल टूट गया तभी ठीक है। उस दिन ना मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पॉजिटिव रहकर, अपने आप से उम्मीदें बनाकर, एक्सपेक्टेशंस रखकर। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, क्या 84% कम होता है 12th में। परसेंटेज में कुछ बुराई नहीं थी, परसेंटेज बहुत अच्छा था, बट पॉजिटिव रही ना, अपने आप से ये कहती रहे कि नहीं मुझे 91 आएगा, मुझे 91 आएगा, और मान लिया वो बात कि हाँ 91 आएगा, और वो नहीं हुआ। तब मुझे समझा कि भाई अगर लाइफ में, करियर में, स्टडीज में मुझे आगे बढ़ना है, तो ये फंडा तो काम नहीं आने वाला कि अपने आप से अच्छा अच्छा बोलते रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। तो CS तो चालू ही था तभी, ये सब बंद कर दिया मैंने, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव भी नहीं सोचती थी बट पॉजिटिव रहना मैंने बंद कर दिया। बस मैंने कर्म पे फोकस किया कि मुझे पढ़ना है, बाकी मैं न्यूट्रल थी, मेरे माइंड के लेवल पे मैं न्यूट्रल थी। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोलती थी कि मुझे पास होना है, मुझे इतने परसेंटेज लाना है, मुझे इतना रैंक लाना है, भाड़ में जाए सब, क्योंकि वो नहीं होता है ना तो कितना बुरा लगता है, मैं गुजर चुकी हूँ उस स्टेज से। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। लोग मुझसे पूछते थे ठीक है, उनको बोलने के लिए बोल देती थी कि हाँ ठीक है, डीपली मुझे वो सब बातें अफेक्ट नहीं करती थी कि रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं बस पढ़ती गई, मैंने रिजल्ट दिया, मुझे रैंक आया। फिर मुझे समझा कि ये फंडा शायद स्टडीज के लिए काम आ सकता है, कि आपको अपने आप से कुछ उम्मीद नहीं रखनी है, बस मेहनत करने जा मेहनत करते रहना। मैंने एग्जीक्यूटिव में भी सेम किया, अपने आप से कोई उम्मीद नहीं रखी, सिर्फ पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। कुछ अपने आप को मैंने एक बार भी, मैं आपको बता रही हूँ ऑन स्क्रीन, एक बार भी अपने आप को नहीं कहा है कि मुझे रैंक लाना है या मुझे पास होना है। मैं बस पढ़ती गई, एग्जीक्यूटिव में मुझे रैंक आ गया, प्रोफेशनल में भी मैंने सेम किया और तब भी मुझे रैंक आ गया।
करियर, मेरा जो जॉब चल रहा है उसमें भी मैंने सेम किया। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, बस जो काम है वो किया और मैं अच्छी जगह पर हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। इससे मुझे क्या समझ में आया कि भाई देखो, पॉजिटिव रहना आपके स्टडीज और करियर में तो कुछ काम नहीं आने वाला है, एकदम वेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है कि हाँ बाकी लाइफ के एस्पेक्ट पे काम आ सकता है, बट स्टडीज और करियर में आपको क्या काम आएगा? राइटफुल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजीज, काम कैसे करते हैं सही तरीके से, काम कैसे करते हैं एक्शंस, ये सब चीज़ें आपको काम आने वाली है। यहाँ पे आपको इमोशनल रह के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये करो वो करो, अरे उनको खुद को कितने अटेम्प्ट लग गए वो चीज़ क्लियर करने में, या फिर उनको खुद को कितना टाइम लग गया, या फिर वो लोग खुद भी क्लियर हुए हैं कि नहीं, वो सब भी आप देखा करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत मिसलीडिंग होती है। एक होता है विशफुल थिंकिंग, एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग। आप लोग ये सब वीडियोस देख के कब पॉजिटिव थिंकिंग को छोड़कर विशफुल थिंकिंग पर आ जाते हो ना, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं लगता। और जैसे ही आप लोग विशफुल थिंकिंग करते हो, इन शॉर्ट कहो तो ख्याली पुलाव बनाते हो, तब ख़त्म, तब आप एकदम डेंजर जोन में चले गए हो, रेड जोन में चले गए हो। तब तो भाई रिजल्ट तो अच्छा भी आ गया ना, फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हो पाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका आज का पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है, इंस्टेंट समझ लो, और अभी आपने, आपको ऐसा हुआ कि शेट मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, बट हाँ वो दीदी ने तो कहा था, वो सर ने तो कहा था कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना। तो आप घर आके पॉजिटिव रह रहे हो कि नहीं मैं पास हो जाऊंगा, मेरे को अटेम्प्ट नहीं लगेगा, मैं अगले के लिए पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप फंस गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्शन लेना था कि अरे मेरा पेपर अच्छा क्यों नहीं गया, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या कम पढ़ाई करी, या मैंने गलत तरीके से पढ़ा, मैंने क्या ऐसा किया कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, टफ पेपर आया था या मेरे लिए टफ गया, ये सब क्वेश्चनिंग करनी थी उस मोमेंट पे आपको घर आके। आपको पॉजिटिव नहीं रहना था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, एकदम गलत रास्ते पे जा रहे हो अगर आप अपने आप से ये बोल रहे हो कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो वो फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। पास होना, फेल होना, रैंक लाना, ये आपके हाथ में नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ऐसा सोचते रहना मैं पास हो जाऊंगा कि आपको कभी खुश कर सकता है? या फिर ऐसा समझो कि आप आज क्लासेस में पढ़ाई किए हो और आपके प्रोफेसर ने आपको चिल्ला लिया, डांट दी, या फिर आपका पढ़ाई में उस दिन मन नहीं लगा और आप घर आए, अब आपने एक वीडियो देख ली कि स्टे पॉजिटिव, अपने आप से अच्छा बोलो, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, तो आप उस समय में क्या कर रहे हो कि हाँ ठीक है प्रोफेसर ने डांट लिया ना, मेरे अच्छे के लिए डांटा होगा, छोड़ो जान दो, अब मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ। बट ये तरीका नहीं है उस सिचुएशन से डील करने का। आपको उस मोमेंट पे क्या सोचना चाहिए कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे क्यों डांटा, मैंने क्या गलती करी, मैं नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं रिपीट करूंगी। ये मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, ये मैं करियर की बात कर रही हूँ, कि करियर और पढ़ाई में तो ऐसे ही डील किया जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग जैसा कुछ फंडा होता ही नहीं है, यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको काम नहीं आने वाली। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं चाहती हूँ कि आप मिसलीड ना हो ऐसे सब वीडियोस देख के कि हम अपने आप से अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ मैं पॉजिटिव रहूंगी, सब अच्छा होगा, बट ये जब आप करते हो और जब आपके साथ नहीं होता है तब आप पूरे टूट जाते हो। और जो वीक होंगे स्टूडेंट्स, दिल के कमज़ोर होंगे, वो लोग तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कितना नुकसान होता है उनकी थिंकिंग का ऐसे में, जब क्योंकि ये सब ज़रूरत ही नहीं है ना। ज़रूरत क्या है कि भाई पढ़ना है, एक्शन लेना है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। सो यस गाइज, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि टेक एक्शंस, राइट एक्शंस एंड हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। इस एज में आपको इसी की ज़रूरत है कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग रखो, राइट एक्शन लो, सही लोगों की बातें सुनो, बाकी तो आप समझदार हो ही। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।